हे गाइस, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी गुआकामोले, एंड दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट गुआकामोले की रेसिपी। एंड टुडे आई एम शेयरिंग 3 फ्लेवर ऑफ गुआकामोले। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे क्लासिक गुआकामोले, चिपोटले गुआकामोले, जो आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा, एंड थर्ड वन इज माई फेवरेट, ग्रिल्ड स्वीट कॉर्न गुआकामोले। तो चलिए फटाफट रेसिपी देखते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लासिक गुआकामोले। गुआकामोले बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किस टाइप से एवोकाडो को पिक करना चाहिए। मोस्टली कहा जाता है कि जिस एवोकाडो का कलर डार्क हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो राइप है। लेकिन मार्केट में इतने वैरायटी ऑफ एवोकाडोज आते हैं कि आप एवोकाडो के कलर को देख के नहीं कह सकते कि वो राइप है कि नहीं। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी एवोकाडो बाय कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप उसे हल्का सा प्रेस करके देख लें। अगर वो हल्का सा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी मशी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा एवोकाडो फुल्ली राइप है। अगर वो बहुत ज़्यादा मशी हो रहा है प्रेस करने से, इसका मतलब ये है कि वो ओवर राइप हो चुका है। इसके अलावा आप एवोकाडो के स्टेम को हल्का सा पुश करके देखें। अगर एवोकाडो का स्टेम इजली निकल जाता है और उसके अंडरनीथ में हल्का सा ग्रीन कलर है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है, तो इसका मतलब है कि हमारा एवोकाडो राइप है। तो ये रहा परफेक्ट एवोकाडो बाय करने का तरीका। तो चलिए अब मूव होते हैं इसके रेसिपी पर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 एवोकाडोस और इसे मैंने नाइफ से कट कर लिया है, और नाइफ के हेल्प से इसके पीठ को भी निकाल दिया, और इसे हमें स्कूप आउट कर लेना है, और ये बहुत ही इजीली स्पून से स्कूप आउट हो जाता है। अब हमें एवोकाडो को मैश करना है, तो इसे मैश करने के लिए आप फोर्क यूज कर सकते हैं या फिर आप पोटैटो मैशर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें पोटैटो मैशर से इसे मैश करना है। जब भी आप इसे मैश कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसका प्यूरी नहीं बनाना है, इसमें हल्के से चंक्स रहने चाहिए। जब हमारा एवोकाडो मैश हो जाए तब इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा लाइम जूस। लाइम जूस डालने से ये हो जाएगा, जब हम गुआकामोले के आगे की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा एवोकाडो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा। तो ब्राउन होने से प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे डाला है लाइम जूस। उसके बाद हमें डालना है चॉप किए हुए अनियंस, टमेटोज। तो यहाँ पे मैं रोमा टमेटो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सभी टमेटो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर टमेटो कट करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जूस निकल रहा है तो उसे बिल्कुल भी गुआकामोले में ऐड ना करें। उसके बाद हमें ऐड करना है थोड़ा सा गार्लिक, सिलेंट्रो यानी कि हरी धनिया, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से कंबाइन कर लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल भी ओवर मिक्स न करें, नहीं तो हमारे एवोकाडो के चंक्स खराब हो जाएंगे और हमें हमारे गुआकामोले में चंक्स चाहिए। बस इस तरीके से हमारा बहुत ही बेहतरीन सा क्लासिक गुआकामोले रेडी हो गया है। और अगर आप इसे तुरंत सर्व करने वाले नहीं हैं या फिर तुरंत कंज्यूम करने वाले नहीं हैं, तो इसे ब्राउन होने से प्रिवेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्लिंग रैप। तो यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप ले लिया है और इसे मैंने गुआकामोले के सरफेस पे अच्छे से क्लोज करके रख दिया है। अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और हमारा गुआकामोले बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा, अगर आपको इसे बाद में भी इंजॉय करना है। अब नेक्स्ट है ग्रिल्ड कॉर्न गुआकामोले। तो यहाँ भी मैंने ले लिए हैं 2 एवोकाडो और एवोकाडो को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फोर्क के हेल्प से मैश किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसे बिल्कुल भी प्यूरी नहीं करना है, इसमें रखना है हमें चंक्स। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है लाइम जूस। आप ट्राई करें कि लाइम जूस ही ऐड करें, अगर आपके पास लाइम जूस नहीं है तो उस केस में आप फ्रेश लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी बॉटल वाला लेमन जूस यूज़ ना करें रेसिपी में, अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तब। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था ओपन फायर पर। आप ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप ओपन फायर में अच्छे से रोस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे ऐड करना है हमारे मैश किए हुए एवोकाडो में, चॉप किए हुए
अनियंस, थोड़े से सिलेंट्रो, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर डालने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है पीसी हुई जीरा, जिसे मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था। तो हमें जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कंबाइन कर लेना है। अगेन हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें चंक्स चाहिए। तो ये बहुत ही अल्टीमेट गुआकामोले हमारा रेडी होता है, क्योंकि जो हमारा स्वीट कॉर्न रहता है उसका टेस्ट होता है बिल्कुल स्वीट। तो एक स्वीट कॉर्न के चंक्स आएंगे और हमारे एवोकाडो में जो लाइम का टेस्ट आता है, बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा एंड दिस इज माई वन ऑफ फेवरेट गुआकामोले रेसिपी। नेक्स्ट है चिपोटले गुआकामोले, और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो मैक्सिकन रेस्टोरेंट जाके चिपोटले स्टाइल गुआकामोले एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने हूँ बिल्कुल चिपोटले स्टाइल गुआकामोले। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एवोकाडो लिए हैं, और सेम जैसे मैंने आपको बताया है कि इसे हमें मैश कैसे करना है। तो आई थिंक सो अब तक आपको याद हो गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एवोकाडो को अच्छे से मैश कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला हुआ है थोड़े से रेड अनियंस, थोड़े से सिलेंट्रो और चॉप किया हुआ हैलोपिनो। यहाँ पे आप हैलोपिनो की सीड बिल्कुल भी ना निकालें, हैलोपिनो की सीड के साथ ही इसे ऐड करें। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो गुआकामोले को मैश करने के बाद जरूर उसमें पहले लाइम जूस जरूर ऐड कर लें। तो बस इस तरीके से हमारा बिल्कुल सिंपल सा चिपोटले स्टाइल गुआकामोले रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और इसे स्टोर करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे क्लिंग रैप से बिल्कुल अच्छे से कवर करके रख लें ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जा सके। अगर आप इसे बॉक्स में भी रखने वाले हैं तब भी उसे सरफेस से टच करते हुए ज़रूर क्लोज कर लें, उसके बाद रेफ्रिजरेट कर लें। अगर आपको और भी जानना है कि किस तरीके से हम गुआकामोले को स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका है जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अदर रेसिपीज भी शेयर की है रिलेटेड टू एवोकाडो, तो आप उसे जरूर जाके चेक कर सकते हैं। और इस गुआकामोले को आप इंजॉय कर सकते हैं टॉर्टिला चिप्स के साथ में, टोस्ट में आप स्प्रेड कर दीजिए या फिर सैंडविच बना लीजिए, कसडिया, इवन आप इसे रोटी में भी स्प्रेड करके रोल करके बच्चों को दे सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, एक हेल्दी मील भी हो जाता है बच्चों के लिए। होप सो आपको डिफरेंट टाइप की गुआकामोले की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगी कि इन सब में से आपकी कौन सी फेवरेट है। और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर आपने अब तक मामा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अब मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।